हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसे कि आपको पता है, हमारा सीटेट का एग्ज़ाम 7 जुलाई को होने वाला है, तो उसके लिए हम ईवीएस का लेक्चर 6 पढ़ रहे हैं आज। तो ईवीएस लेक्चर 6 का आज हमारा पार्ट 2 है। तो हम अपने थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास और फिफ्थ क्लास की एनसीईआरटी हमें पढ़नी है। थर्ड और फोर्थ क्लास की एनसीईआरटी हमारी ख़त्म हो चुकी है और लेक्चर 6 से शुरू हुई है हमारी फिफ्थ क्लास की एनसीईआरटी। ठीक है, तो फिफ्थ क्लास की एनसीईआरटी में हम सुपर सेंसेस के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज हम स्टार्ट करेंगे लंगूर के बारे में। तो आपको पता है, यहाँ पर है ना, कुछ कुछ एनिमल्स के बारे में हमें बता रखा है। तो एक पेड़ के ऊपर लंगूर, ठीक है, आवाज़ें निकालता है। तो आवाज़ें क्यों निकालता है? तो लंगूर क्या करता है, जब वो बहुत दूर से है ना, किसी टाइगर को या लेपर्ड को आते हुए देखता है ना, तो वो अपने बाकी के एनिमल्स को अलर्ट करने के लिए, यानी कि बाकी के लंगूरों को सिग्नल देने के लिए क्या करता है, आवाज़ निकालता है, स्पेशल वार्निंग कॉल देता है। ठीक है, ऐसा कौन करता है? लंगूर। जब वो दूर से कोई खतरा देख लेता है तो अपने बाकी साथियों को आगाह करने के लिए क्या करता है, वार्निंग सिग्नल निकालता है। ठीक है, तो जो पक्षी होते हैं वो भी खतरे से आगाह करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट सिग्नल्स देते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर कोई दुश्मन आसमान से आ रहा है, ठीक है, या फिर ज़मीन से आ रहा है, उसके लिए उनकी अलग अलग तरीके की साउंड होगी। ठीक है, बर्ड्स पहचान जाते हैं कि हमारा जो दुश्मन है वो अगर आसमान से आ रहा है तो उनकी अलग तरीके की साउंड होगी, अगर ज़मीन से आ रहा है तो अलग तरीके की साउंड होगी। उसके बाद जो मछलियाँ होती हैं वो क्या करती है, इलेक्ट्रिक सिग्नल्स देती हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक सिग्नल्स छोड़ रही है, इसका मतलब क्या है कि वो भी आपको क्या बताने की कोशिश कर रही है, अपनी बाकी की फिशेज को क्या बताने की कोशिश कर रही है, किसी खतरे के बारे में आगाह कर रही है। जैसे कि आप देखते हो, आप बाहर खेलने गए हो, बहुत देर हो गई आपको खेलते हो और आपको डांट पड़ने वाली है। ठीक है, किसी ने आपके पेरेंट्स को आते हुए देखा तो आपका दोस्त आके आपको फटाफट कोई सिग्नल देता है। ठीक है, तो वैसे ही क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स भी क्या करते हैं, अपने बाकी के साथियों को खतरे से बचाने के लिए अलग अलग आवाज़ें निकालते हैं, सिग्नल्स देते हैं। उसके बाद है ना, कुछ कुछ एनिमल्स जो होते हैं ना, वो अजीब तरीके का बिहेव करने लग जाते हैं जब क्या होने वाला होता है, या तो भूकंप आने वाला होता है या कोई तूफान आने वाला होता है। ठीक है, आपको पता है ना, ऐसा बोला जाता है कि जानवरों को है ना हमसे ज़्यादा सेंसेस मिले हुए हैं। ठीक है, तो किसी भी खतरे को है ना वो हमसे पहले भाप जाते हैं। तो 2004 में क्या हुआ था, अंडमान का जो आइसलैंड है वहाँ पे है ना, एनिमल्स ने बहुत अजीब सा बिहेव करना शुरू कर दिया। तो ट्राइब्स समझ गए कि कुछ गड़बड़ होने वाली है, तो ट्राइब्स है ना सारे के सारे एक सेफ जगह पे चले गए। और थोड़ी देर के बाद देखा गया क्या हुआ वहाँ पे, बहुत तेज़ सुनामी आ गई। ठीक है, और डॉल्फिन्स क्या करती है, वो भी एक दूसरे को मैसेज देने के लिए अलग अलग साउंड निकालती है। तो एनिमल्स जो होते हैं ना, वो बहुत जल्दी किसी भी खतरे को भाप जाते हैं। ठीक है, और हमें इससे पता चल जाता है जब वो अजीब बिहेव करते हैं, तो यानी कि कोई ना कोई अजीब चीज़ होने वाली है, या तो कोई सुनामी आने वाली है, या तो कोई भूकंप आने वाला है। ठीक है, इसको आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है स्लोथ। ठीक है, तो स्लोथ जो होता है ये एक जानवर का नाम होता है, जो आपको है ना देखने में तो भालू जैसा लगेगा, लेकिन ये भालू नहीं होता, इसका नाम क्या है, स्लोथ है। तो स्लोथ के बारे में ना डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो आपको है ना पता होना चाहिए। तो ये है ना जो सारे स्टेटमेंट्स यहाँ लिखे हुए हैं, ये सारे स्टेटमेंट्स को वो लिख के दे देंगे। आजकल क्या करते हैं, वो सिंपल एक सेंटेंस का क्वेश्चन नहीं देते, 3-4 स्टेटमेंट लिखे होंगे, उनमें से आपसे पूछा जाएगा करेक्ट को बताइए, इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है ये बताइए। तो आपको ध्यान से ये सारे पॉइंट्स पढ़ने हैं। तो सबसे पहली बात क्या है, ये भालू जैसा दिखता है लेकिन ये भालू नहीं है। ये एक दिन में है ना उल्टा लटक के, पेड़ की शाखा से उल्टा लटक के 17 घंटे सो सकता है। तो यहाँ पे ना वो 18 घंटे लिख सकते हैं, 20 घंटे लिख सकते हैं, 4 घंटे लिख सकते हैं। तो आपको है ना स्लीप पता होनी चाहिए कि कोई कितनी देर सोता है। तो जो स्लोथ होता है वो एक दिन में 17 घंटे सो सकता है। ठीक है, एक पेड़ से है ना, जिस पेड़ पे ये रहता है उसकी सारी पत्तियों को धीरे धीरे ये खाता रहता है। ठीक है, इसको और कुछ नहीं चाहिए होता है। जब ये बहुत सारी पत्तियाँ खा लेता है, उस पेड़ की ऑलमोस्ट सारी पत्तियाँ खा जाता है, तब जाके दूसरे पेड़ पे शिफ्ट करता है। ठीक है, इसकी जो उम्र होती है वो लगभग 40 साल के बराबर होती है। तो स्लोथ जो होता है उसकी एवरेज लाइफ क्या है, ऑलमोस्ट 40 ईयर्स है। ठीक है, 40 साल तक जिंदा रहते हैं ऑलमोस्ट ये। ठीक है, और इस पूरे 40 साल में क्या करते हैं, 7 से 8 पेड़ ही बदलते हैं। पहले ना एक पेड़ पर रह के उसी की सारी पत्तियां खाता रहेगा, उसके बाद जब उस पेड़ की सारी पत्तियां खत्म हो जाएगी तब दूसरे प्लांट पे, दूसरे ट्री पे शिफ्ट करता है। ठीक है, और हफ्ते में ना सिर्फ एक बार नीचे उतर के आता है शौच जाने के लिए। ठीक है, यानी कि अपने आप को रिलीव करने के लिए, वॉशरूम जाने के लिए हफ्ते में सिर्फ एक बार पेड़ से नीचे उतरता है। दिन में 17 घंटे तो सोता ही रहता है। ठीक है, पेड़ से लटक के उल्टा सो रहा होता है। 40 साल इसकी उम्र होती है। ये डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स यहाँ पे वो लिख सकते हैं, 60 साल होती है क्या। तो आपको पता होना चाहिए कि स्लोथ की जो एवरेज लाइफ है वो 40 साल है। एक पूरे लाइफ टाइम में ये 7 से 8 पेड़ ही बदलता है, हफ्ते में सिर्फ एक बार नीचे उतर के आता है। ठीक है, और 17 घंटे सो सकता है। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको आपको ज़रूर याद रखना है। किसके बारे में, स्लोथ की बात हो रही है। भालू जैसा दिखता है लेकिन ये भालू नहीं है, ये एक अलग एनिमल है जिसका नाम क्या है, स्लोथ। उसके बाद अब हम स्लीप के बारे में बात करेंगे।
तो आपने देखा होगा दो तरीके की स्लीप होती है, एक होती है हाइबरनेशन और एक होती है एस्टिवेशन, ठीक है। तो हाइबरनेशन को है ना विंटर स्लीप भी कहते हैं, ठीक है। बहुत सारे एनिमल क्या करते हैं, वो सर्दियों में काम करना पसंद नहीं करते, जब सर्दियाँ आ जाती है ना बहुत ज़्यादा, तो वो बस सोना पसंद करते हैं, ठीक है। और उन्होंने सारा खाना अपना गर्मियों में इकट्ठा कर लिया होता है, इस एक्टिविटी को हम क्या कहते हैं, हाइबरनेशन कहते हैं। बहुत सारे एनिमल्स को कहते हैं ना हाइबरनेशन में चले गए। तो कौन कौन से वैसे एनिमल्स हैं, तो अगर आप भालू को देखेंगे या फिर गिलहरी को देखेंगे तो वो क्या करते हैं, हाइबरनेशन में चले जाते हैं। आपको है ना सर्दियों में भालू ज़्यादा दिखाई नहीं देगा, क्यों, क्योंकि वो हाइबरनेट कर गया है, सोता ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद आता है एस्टिवेशन, इसको हम क्या कहते हैं, समर स्लीप कहते हैं। हाइबरनेशन तो आपने बहुत बार सुना होगा, लेकिन एस्टिवेशन लोगों ने कम सुना होता है। तो समर स्लीप का मतलब होता है कुछ ऐसे एनिमल होते हैं उनका गर्मी में काम करने का मन नहीं करते हैं, तो क्या करते हैं, गर्मियों में वो आराम कर रहे होते हैं। तो छिपकली जो होती है ना वो अचानक से गर्मियों में गायब हो जाएगी। अर्थवॉर्म जो केचुए होते हैं वो भी क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा गर्मियों में बहुत ज़्यादा बाहर नहीं निकलते हैं, अंदर ही रहते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, समर स्लीप, और हाइबरनेशन को हम बोलते हैं विंटर स्लीप, ठीक है। इन दोनों के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। अब है ना हम एनिमल्स की स्लीप के बारे में बात करेंगे कि कौन सा एनिमल कितने घंटे सोता है। तो अगर आप गाय को देखेंगे ना, वो एक दिन में 4 घंटे सोती है। पाइथन जो एक तरीके का सांप की वैरायटी होती है, ठीक है, वो 18 घंटे सो सकता है। जिराफ जो होता है वो बस 2 घंटे ही सोता है। बिल्ली जो होती है वो 12 घंटे सो सकती है। एलिफेंट हमने नंदू वाले चैप्टर में भी पढ़ा था, 2 से 4 घंटे की ही नींद लेता है, ठीक है, 4 आवर्स की स्लीप लेता है मोस्टली। तो स्लोथ जो होता है वो 17 घंटे सो सकता है। सबसे ज़्यादा कौन सोता है आपको लगा होगा कि अभी हमने स्लोथ के बारे में पढ़ा ना 17 घंटे, लेकिन उससे भी ज़्यादा कौन सोता है, पाइथन सोता है, 18 घंटे सो सकता है। आपको सबकी स्लीप पता होनी चाहिए। यहाँ से वो आपको मैच दी फॉलोइंग करने को भी दे सकते हैं कि कौन कितने घंटे सोता है, इनकरेक्ट फाइंड आउट करने के लिए दे सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कितने घंटे सोता है। उसके बाद अब हम पढ़ेंगे टाइगर के बारे में। तो जो टाइगर होता है ना उसे रात में हमसे 6 गुना बेहतर दिखाई देता है, ठीक है। तो अगर आपको जो आपको दिखाई देता है ना रात में, उसका 6 गुना बेटर कौन देख सकता है, टाइगर दे सकता है। और मैंने आपको 3 ऐसे बर्ड्स बताए थे जो हमसे 3-4 गुना बेहतर देख सकते हैं, ठीक है। तो बाज, चील और गिद्ध जो होता है ना, उनको हमसे 4 गुना बेहतर दिखाई देता है। उनकी बात तो दिन की हो रही थी, टाइगर की बात हो रही है, वो है ना रात में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है, ठीक है। तो जो टाइगर के जो विस्कर्स होते हैं ना, ये छोटे छोटे आपको जो उसके फेस के पास हेयर्स दिखाई दे रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, और हवा में हल्की सी भी वाइब्रेशन होती है ना तो उनको पता चल जाता है कि कोई चीज़ यहाँ पे मूव कर रही है, यानी कि उनका जो शिकार है वो आसपास कहीं पे है, ठीक है। तो अंधेरे में भी उनका शिकार ढूंढने में उनके विस्कर्स उनकी मदद करते हैं, ठीक है। टाइगर की जो हेयरिंग कैपेसिटी है, सुनने की क्षमता है, वो इतनी बेहतर है कि पत्तियां अगर जरा सी हिलती भी है ना तो उसे पता चल जाता है कि कोई एनिमल यहाँ से मूव कर रहा है, ठीक है। यानी कि अगर आपने देखा है टाइगर है ना बहुत जल्दी अपने प्रे पे अटैक करता है, अपने शिकार पर अटैक करता है, तो हम सोचते हैं कि कैसे, क्योंकि उसकी सुनने की क्षमता भी बहुत अच्छी है, उसकी देखने की क्षमता भी बहुत अच्छी है, और उसकी सेंसिटिविटी लेवल जो है, उसके विस्कर्स की जो सेंसिटिविटी है वो भी बहुत हाई है, ठीक है। ऊपर से जो उसके कान होते हैं वो है ना डिफरेंट डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, तो यानी कि किसी भी दिशा से आवाज़ आती हो उसके कानों तक वो पहुंच सकती है, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में उसके कान मूव कर सकते हैं, इसलिए किसी भी दिशा से आवाज़ आने पर उन्हें पता चल जाता है कि उनका शिकार किस तरफ है, ठीक है। हर टाइगर का अपना एक एरिया होता है, कई किलोमीटर तक वो फैला होता है, ठीक है। अपने यूरिन से वो इसको पहचानता है कि जहाँ तक उस टाइगर के यूरिन की स्मेल है वो उसका एरिया है। अगर कभी कोई दूसरा टाइगर वहाँ पे एंटर कर जाएगा और उसका यूरिन यहाँ पे होगा, तो वो समझ जाते हैं कि कोई दूसरा टाइगर उनके एरिया में एंटर कर गया। ऐसा डॉग्स भी, इसको भी आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो एक बाघ को रात में हमसे 6 गुना बेहतर दिखाई देता है। उसकी जो मूछें होती है, विस्कर्स जो मैंने आपको बताया, बहुत संवेदनशील होती है, और हवा में जरा सी हलचल होने पे भी वो उसकी शिकार को ढूंढने में मदद करती हैं, ठीक है। उसके कान डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, इसलिए चारों तरफ से जो आवाज़ें आती हैं उनको वो सुन पाता है और अपने शिकार पर अटैक कर देता है। उसके बाद है ना टाइगर जो होते हैं ना वो अलग अलग तरीके की साउंड निकालते हैं अलग अलग काम के लिए। यानी कि अगर वो गुस्से में है तो अलग तरीके की आवाज़ निकालेंगे, अगर वो अपनी शेरनी को बुला रहे हैं, अपनी बाघिन को बुला रहे हैं, तो अलग तरीके की आवाज़ निकालेंगे, ठीक है। उनकी दहाड़ और गुर्राहट जो होती है वो कितने किलोमीटर तक सुनाई दे सकती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसे हाईलाइट भी किया है, ठीक है। 3 किलोमीटर दूर तक, और एक बार अगर टाइगर को ये पता चल गया कि उसके एरिया में कोई दूसरा टाइगर एंटर कर गया, तो कैसे पता चलता है, यूरिन की स्मेल से। यानी कि दूसरे किसी टाइगर की यूरिन की स्मेल अगर उसे आएगी तो उसे पता चल जाएगा कि कोई दूसरा टाइगर मेरे एरिया में एंटर कर गया है, और फिर वो है ना दूसरे टाइगर के, और जो टाइगर्स होते हैं ना वो एक दूसरे के एरिया में जाना अवॉइड करते हैं, ठीक है। तो कितने किलोमीटर दूर तक सुनाई देती है उसकी आवाज़, ठीक है, दहाड़ कब तक, कितनी देर तक सुनाई देती है, 3 किलोमीटर दूर तक भी आपको सुनाई दे सकती है। अच्छा, एक ऐसा कौन सा इंसेक्ट है जिसको है ना कई किलोमीटर दूर से जो अपनी
फीमेल काउंटर पार्ट को पहचान लेता है, जो सिल्क वॉर्म होता है ना, रेशम का कीड़ा होता है, तो कई किलोमीटर दूर उसकी फीमेल पार्टनर होगी ना, उसकी स्मेल से वो क्या करता है, अपनी फीमेल पार्टनर को पहचान लेता है। ठीक है, तो ऐसे पॉइंट्स हमें पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रोर वाला क्वेश्चन भी पूछा जाता है, और बहुत सारे पॉइंट्स आपको टाइगर के बारे में दिए जाएंगे, और आपसे पूछा जाएगा इनमें से करेक्ट कौन से हैं और इनकरेक्ट कौन से हैं। ठीक है, उसके बाद है ना, बहुत सारे एनिमल्स का है ना शिकार किया जाता है डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के लिए। तो जो एलिफेंट होता है उसके जो दिखाने वाले दांत होते हैं, हम कहते हैं ना हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, तो उसके लिए उनको मार दिया जाता है। राइनोसिरोस को, ठीक है, जो गैंडा होता है उसका जो सींग होता है उसके लिए उसकी जान ले ली जाती है। टाइगर क्रोकोडाइल और स्नेक जो होते हैं, ठीक है, इनको है ना इनकी स्किन के लिए मार दिया जाता है, यानी कि इनकी जो खाल है उससे है ना एनिमल प्रिंट के कपड़े बनते हैं, पर्स बनते हैं, बैग्स शूज बनते हैं, इन सब के लिए ना इन सारे एनिमल्स को हंट कर दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है मस्क डियर। तो मस्क डियर से है ना एक बहुत ही अच्छी स्मेल आती है, जिससे है ना सेंट बनाने के लिए जिसका इस्तेमाल होता है, तो उसके लिए क्या किया जाता है, मस्क डियर को मार दिया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि किस जानवर की जान किस चीज़ को पाने के लिए की जाती है। इंसान इतने सेल्फिश है कि एनिमल्स की जान ले लेते हैं क्योंकि वो अपने लिए कुछ चीज़ें बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए हाथी की जान उसके दांतों के लिए, हिंदी में भी आप इसको पढ़ सकते हैं, गैंडे की जान सींग के लिए। ठीक है, उसके बाद आपसे 1 मार्क में पूछ लिया जाता है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पे है। तो आपको पता होना चाहिए उत्तराखंड में है ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, और घाना भरतपुर जो है ये राजस्थान में। आपसे ना 1 मार्क में पूछ लिया जाता है कि ये कौन सा नेशनल पार्क कौन से स्टेट से बिलोंग करता है। स्पेशली हमें वो ज़रूर पता होना चाहिए जो हमारी ईवीएस की एनसीईआरटी में दिए हैं, तो वहाँ पे 2 दिए हुए हैं, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो उत्तराखंड में है और घाना भरतपुर जो राजस्थान में है। उसके बाद आता है स्नेक चार्मर की स्टोरी, ठीक है, सपेरे की कहानी। तो सपेरे को है ना कालबेलिया भी कहा जाता है। उसके बाद आता है नाग गुम्फन। तो नाग गुम्फन है ना एक तरीके की रंगोली होती है, ठीक है, सौराष्ट्र गुजरात और साउथ इंडिया के लोग है ना इसको अपने घर के बाहर बनाते हैं। ठीक है, नाग गुम्फन एक तरीके की रंगोली, जैसे दिवाली में हम लोग रंगोली बनाते हैं उसका एक अलग पर्टिकुलर डिजाइन होता है, वैसे ही नाग गुम्फन भी एक तरीके की रंगोली है। तो जो सपेरा होता है ना, सांप ने किस तरीके का मार्क आपके ऊपर छोड़ा है काट के, तो उस तरीके से वो क्या पहचान जाता है कि कौन सा सांप होगा, कौन से सांप ने आपको काट लिया है। मेडिसिनल प्लांट्स जो जंगल में मिलते हैं उससे है ना दवाइयाँ बनाते हैं सपेरे, ठीक है। और स्नेक्स जो होते हैं ना वो फार्मर के फ्रेंड होते हैं, क्यों, क्योंकि वो क्या करते हैं चूहों को खा जाते हैं, क्योंकि चूहे क्या करते हैं फसलों को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, और आपको पता है फार्मर का सबसे ट्रू फ्रेंड कौन होता है, अर्थवॉर्म। केचुए को है ना फार्मर का ट्रू फ्रेंड बोला जाता है क्योंकि वो उनकी मिट्टी को उपजाऊ बनाने में बहुत मदद करता है। इसको आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। सपेरे को कालबेलिया भी कहा जाता है। नाग गुम्फन जो होती है एक तरीके की रंगोली होती है जिसको सौराष्ट्र गुजरात और दक्षिण भारत के लोग अपनी दीवारों पे अपने घर के बाहर बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। सांप जो होते हैं वो एनिमल के फ्रेंड होते हैं क्योंकि वो चूहे को खा जाते हैं, चूहे है ना क्रॉप्स को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं, फसल को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है। उसके बाद है ना अगर आप किसी बीन पार्टी में जाएंगे तो वहाँ पे आपको कौन कौन से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट मिलेंगे, बहुत बार पूछा जाता है ये, ठीक है, सी टेट का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है। तो आपको वहाँ पे कौन कौन मिलेंगे, बीन होगी वहाँ पे, थुम्बा, खंजीरी और ढोल। और ये बात आपको ज़रूर याद रखनी है कि बीन, थुम्बा और खंजूरी जो होती है, खंजीरी जो होती है, ये तीनों के तीनों ना सूखी हुई लौकी से बनाए जाते हैं, ठीक है, ढोल नहीं बनाया जाता। वो आपसे 1 मार्क में पूछ सकते हैं कि कौन सूखे हुए लौकी से नहीं बनाया जाता, तो ढोल नहीं बनाया जाता है, लेकिन बीन, थुम्बा और खंजीरी जो है वो सूखी हुई लौकी से बनाए जा सकते हैं। उसके बाद हम सांपों के बारे में पढ़ेंगे। तो इंडिया में है ना 4 टाइप के सांप मिलते हैं, जो किस तरीके के होते हैं, जहरीले सांप होते हैं। ऐसे तो बहुत सारे सांपों की वैरायटी हो सकती है, लेकिन पॉइजनस जो स्नेक है, ठीक है, सांप जो जहरीले होते हैं उनके क्या नाम है, ये आपको पता होना चाहिए, बार बार यहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो कोबरा, कॉमन क्रेट, रसल वाइपर, जिसका नाम डुबोयल भी है। अब इसका नाम डुबोयल क्यों है, क्योंकि ये क्या करता है, जैसे कि अगर है ना आप किसी वाटर बॉडी में ये आपको मिलेगा तो ये क्या करेगा, आपको है ना डुबा डुबा के, पानी में डुबा डुबा के मार डालेगा, इसलिए इसका नाम क्या है, डुबोयल है, ठीक है। उसके बाद आता है सो स्केल वाइपर, जिसको हम अफाई कहते हैं। इसके शरीर पे ना आपको बहुत सारे स्केल्स दिखाई देंगे, ठीक है, यानी कि एक तरीके के निशान को हम कहते हैं ये, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि 4 पॉइजनस स्नेक्स कौन से मिलते हैं इंडिया में, कोबरा, कॉमन क्रेट, रसल वाइपर एंड सो स्केल वाइपर, ठीक है। तो जो सांप होते हैं ना उनके पास है ना 2 होलो टीथ होते हैं, खाली दांत होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, फैंग्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फैन नहीं, फैंग्स बोलते हैं। तो जब ये काटते हैं ना तो पॉइजन हमारी बॉडी में ना इन फैंग्स के थ्रू ही एंटर करता है, ठीक है। तो ये जो फैंग्स होते हैं हमारे शरीर में जहर छोड़ने का काम करते हैं, ठीक है। स्नेक बाइट की जो है अब दवाई अवेलेबल है, ये दवाई भी है ना सांप के जहर से ही बनाई जाती है और सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इजीली अवेलेबल है, ठीक है। तो सांप की जो दवाई होती है, एंटीडोट होता है, वो भी सांप के जहर से ही बनाया जाता है। तो ये 4 वो पॉइजनस स्नेक्स है जो इंडिया में मिलते हैं, इंडियन कोबरा, ठीक है, कॉमन क्रेट,
सो स्केल्ड वाइपर एंड रसल वाइपर, जिसको डुबोयल भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम भी आपको मालूम होना चाहिए कि रसल वाइपर का दूसरा नाम क्या होता है, डुबोयल होता है, ठीक है। और सो स्केल्ड वाइपर का दूसरा नाम क्या होता है, अफई होता है। वो आपसे ऐसे भी पूछ लेते हैं एक मार्क में। थैंक यू, आई होप इसमें आपको कोई डाउट नहीं है। अगर कोई डाउट है तो वो मुझे कमेंट्स में बताइएगा, ठीक है। इससे पहले मैंने 6 लेक्चर अपलोड कर दिए हैं, आपको वो भी ज़रूर देखने चाहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपने सीटेट के एग्ज़ाम के लिए अपनी प्रिपरेशन को बहुत फास्ट कर दीजिए, क्योंकि अब आपके पास बहुत ही कम टाइम बच गया है। थैंक यू।